नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर यू में। आज का हमारा टॉपिक है सीटेट बाल विकास का टॉपिक टू, बाल विकास के सिद्धांत। फ्रेंड्स, हम पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इससे संबंधित आपको मैं कल एमसीक्यूज का वीडियो दूंगा जो आपको सॉल्व करना है। इससे ये समझ में आता है आपको कि टॉपिक कितना समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आए तो रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसी के साइड में एक बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और साथ ही साथ आप यहां पे एक नॉमिनल सा चार्ज 100 रुपीज़ देकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आप सारे जो नोट्स हैं वो पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत क्या है? तो हम बाल विकास क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे विकास क्या होता है। तो समय के साथ अगर व्यक्ति में कुछ गुणात्मक परिवर्तन होते हैं तो उसे विकास कहते हैं। अगर समय बीतता जा रहा है और उसमें व्यक्ति के गुण में परिवर्तन आते जा रहा है, उसमें परिणात्मक परिवर्तन आ जा रहे हैं, तो उसे हम विकास की संज्ञा देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है बाल विकास क्या है। तो बाल विकास क्या है, अगर किसी बालक में अगर आप देखते हैं कि उसमें गुणों में परिवर्तन आ रहा है बालक में और उसका परिणात्मक परिवर्तन आ रहा है, जैसे उसका शरीर का आकार बढ़ रहा है, ठीक है, बाल बढ़ रहे हैं या उसकी हेल्थ डेवलप हो रही है या तो उसके जो गुण थे वो पहले से बदल चुके हैं, तो इस तरह का जो विकास होता है उसे हम बाल विकास की संज्ञा देते हैं। अब हम ये जानेंगे इसमें बाल विकास का शिक्षा में क्या महत्व है, हम बाल विकास का अध्ययन क्यों करें। भाई हमें टीचर बनना, हम डायरेक्टली पढ़ा सकते हैं, पर हम बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन क्यों करें। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बाल विकास के सिद्धांत को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सिद्धांतों के ही माध्यम से आप जान सकते हैं कि जो बालक है वह किस परिस्थिति में या किस एज में, किस आयु में उसका कितना मानसिक विकास होता है, कितना शारीरिक विकास होता है, वे किस तरह के मापदंडों के लिए तैयार हुए, तो उसके अनुसार रूपरेखा बनाकर आप उसे शिक्षण कार्य करेंगे तो बालकों का विकास निश्चित रूप से होगा। तो ये इस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बालकों का विकास है ये क्यों जरूरी है। तो हमारा पहला बाल विकास का सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास की हम प्रक्रिया देखें तो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है, ये कभी भी नहीं रुकती है। ये आपके जन्म से पहले मीन्स गर्भ अवस्था में या गर्भ के दौरान ही विकास जो होता है प्रारंभ हो जाता है और आपकी मृत्यु पश्चात ही विकास जो होता है खत्म होता है। जन्म के दौरान, जन्म से पहले ही बालक में विकास प्रारंभ हो जाता है, माँ के गर्भ में ही विकास प्रारंभ हो जाता है। और आप सभी लोगों को पता है कि जो विकास होता है ये सिर से पेट की ओर होता है और ये जो धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये था निरंतरता का सिद्धांत, जो विकास जो है कैसा है वह कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये आपके जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद मृत्यु तक ये चलता है। तो इसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं आपको, जिस तरह हम YouTube में स्टडी करते हैं वैसे एक हमारा अदर प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी। अनअकैडमी में भी आप स्टडी कर सकते हैं, इसी तरह का जो वीडियो लेसन है वो देख सकते हैं। जल्दी मे भी अनअकैडमी में वीडियो लेसन पब्लिश कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ भी आप जल्दी देखेंगे, एक बार अनअकैडमी जरूर विजिट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे सिद्धांत टू जो है हमारे पास, एक रूपता का सिद्धांत। क्या दिया हुआ है आपके पास? एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। आप देखिए यहाँ बोला जा रहा है इस सिद्धांत में विकास की जो प्रक्रिया है वे एक रूप में दिखाई देती है, पर अगर हम कहेंगे कि अलग अलग व्यक्तियों में तो अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग योग्यताएं पाई जाती है, तो फिर विकास की एक रूपता कैसे दिखाई देगी? तो देखिए विकास की एक रूपता होती है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, कि जो व्यक्ति होते हैं उनमें विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। किसी में विकास बहुत तेज गति से होता है तो किसी में जो विकास होता है ये बहुत धीमी गति से होता है, तो इसे हम विकास की एक रूपता नहीं कह रहे हैं। विकास की एक रूपता क्या है, जिस तरह व्यक्ति का विकास होता है, जिस तरह बच्चा पैदा होता है वो माँ शब्द सीखता है और पापा शब्द सीखता है, इसी तरह सीखते हैं और उसके बाद ही वह माँ किसे कहना है वह ये जानता है, पापा किसे कहना है ये जानता है। या हम कह सकते हैं कि बच्चों में जिस तरह विकास होता है, पहले बच्चों के जैसे कि टीथ आते हैं, दांत निकलते हैं और उसके बाद उसमें कंटिन्यूटी के साथ विकास होते जाता है, तो ये सभी बच्चों में
सेम तरीके से होता है, सभी पर्सन में सेम तरीके से होता है विकास की जो अवस्था होती है, तो इसे हम विकास की एकरूपता कहेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों में दांत पहले निकल रहे हैं या उनका मानसिक पहले डेवलपमेंट हो जा रहा है, कुछ बच्चों में देरी से होगा या जल्दी हो जाएगा, पर वह एक रूपता से होगा। सभी बच्चों के टीथ पहले आते हैं तो सभी बच्चों के टीथ पहले आएंगे, है ना। सभी बच्चे माँ शब्द पहले सीखते हैं तो माँ ही शब्द बच्चे लोग अक्सर सीखते हैं, इसे कहते हैं विकास की एक रूपता। अब हम चलते हैं यहाँ पे एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण के सिद्धांत को हम देखेंगे, जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग और उसके बाद विशिष्ट अंगों को चलाना या प्रयोग करना सीखता है। जैसे बालक जो होता है पहले पूरे हाथ को हिलाना सीखता है, जब वह हाथों को हिलाना सीख लेता है तब वह उसकी उंगलियों को हिलाना सीखता है। तो ये है एकीकरण का सिद्धांत। क्या होता है एकीकरण के सिद्धांत में, बालक जो होता है वह पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद उसके विशिष्ट अंगों को चलाना सीखता है, ये कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स मजा आ रहा है शायद आपको, आई होप जो भी पढ़ने वाले बच्चे हो उन्हें तो मजा आ रहा होगा। चलिए मैं भी काफी बातें करता हूँ, आप लोग कहेंगे। फिफ्थ, समान से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक। यहाँ देखिए आपने कई बार देखा होगा समान से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर, ऐसा आपने सुना होगा। इस सिद्धांत के अनुसार जो बात है ये समान बातों को और बाद में उन्हीं समान बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना सीखते हैं। जैसा बच्चा पहले नाम या स्थान वस्तु को जानता है और उसके बाद उसकी संज्ञा को जानने की कोशिश करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा जो है पहले वे सामान्य चीजें सीखता है, उसके बाद उसे विशिष्ट बना लेता है। जैसे बच्चा जो पहले शुरुआत में कुछ समान शब्द सीखता है, जैसे पापा या माँ, ऐसे शब्द सीखता है, फिर उसे एक विशिष्ट तात्पर्य दे देता है, वह जान लेता है बाद में कि पापा किसे कहना है और माँ किसे कहना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बच्चा जो होता है समान से विशिष्ट की ओर ही सीखता है। जैसे वह कुछ पकड़ने की कोशिश करता है तो पहले हाथों को चारों तरफ हिलाता है, उसके बाद उस चीज़ों को होल्ड कर पाता है, पकड़ पाता है। ये एक सामान्य तरीका हो गया, पर बाद में क्या होता है उन चीज़ों को आसानी से पकड़ के उठा लेता है। तो ये समान से विशिष्ट की ओर वह बालक जो है वह सीख रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे जो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, जो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है, इस सिद्धांत स्पष्ट करता है कि विकास की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं, इसका पता हम लगा सकते हैं। जैसे आप किसी बालक की रुचियों का पता लगा लो, या किसी बालक की मान लेते हैं हम यहाँ पे उसके उसका सिटी स्कैन ले लेते हैं, या उसके किसी एक अंग का स्कैन ले लेते हैं, उंगलियों का स्कैन ले लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी हड्डियों का विकास किस तरह होगा और भविष्य में किस तरह और डेवलपमेंट उसकी बॉडी कर सकती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम बच्चों की रुचियों का पता कर लें तो बालकों की क्या आवश्यकता होगी, आप इसके बारे में भी बता सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत कहा जाता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, अब हम ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि विकास की जो शुरुआत होती है वह सिर से होती है, और सिर से होने के बाद वह पैर बाद में तैयार होते हैं। जब गर्भावस्था में बच्चा होता है तो पहले उसका सिर तैयार होता है और उसके बाद क्या होते हैं, उसके पैर तैयार होते हैं। तो विकास जो होता है ये सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। विकास का जो सिद्धांत है, ये जो भ्रूण होता है एम्ब्रियो जिसे हम बोलते हैं, सिद्धांत पर आधारित तीन तत्वों में विभाजित किया गया है। एक तो सिर से पैर की ओर, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, और स्वरूप के बाद की प्रक्रिया। तो ये डिसाइड किए गए हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा विकास की सिद्धांत, और ये कई बार पूछा गया है कि कैसा होता है, तो ये सिर से पैर की तरफ होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, सेकेंड में भी, टेट में भी, बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट आया है आपके पास व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत, जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। तो शिक्षा वैज्ञानिक देखा गया है कि जो अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं उसमें अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग बातें होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसा कि विकास की प्रक्रिया विभिन्न आयु वर्गों में भी इन्हें बांटा रखा गया है, जैसे उन्होंने तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, जो शैशवावस्था है,
बाल अवस्था है और किशोर अवस्था है। तो ये तीन अवस्थाएं जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ने बांटा हुआ है, जो अलग अलग आयु की है। सभी वर्गों में विशेषताएं अलग अलग है, आयु वर्गों में व्यवहारों में अंतर भी पाया जाता है। सभी में जो उनका व्यवहार होता है बच्चों का, वो सही नहीं होता। आप अपने आप को ही देख लीजिए, बचपन में आपका व्यवहार और कुछ था, और थोड़ा सा आप जब यहाँ बाल अवस्था में आए आपका व्यवहार और कुछ हो गया, किशोर अवस्था में जाएंगे आपका व्यवहार और कुछ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो भी उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, उनके व्यवहारों में विभिन्नताएं पाई जाती है, उनके रुचियों में विभिन्नताएं पाई जाती है, उनकी विशेषताओं में विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इसी तरह जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं वह अलग अलग विभिन्नताएं उनमें पाई जाती है। जैसे बालक के विभिन्नताओं का सिद्धांत के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी समझ में आया होगा आपको। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत। जो भी हमारे नोट्स परचेस करना चाहता है वे कमेंट बॉक्स में या नीचे हमने यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में पेटीएम और हमारा अकाउंट नंबर दिया हुआ है, तो उन्हें आप उसमें जाके आप 100 रुपये की पेमेंट कर दीजिए। ये पहले 50 लोगों के लिए ही है, बाकी लोगों को 200 रुपये देने होंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद पीडीएफ और हमारी लाइव वीडियो की लिंक और हमारे साथ अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। इसका कोई भी आपके एडिशनल चार्जेस है, तो जो भी जुड़ना चाहता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर में आपको एंड ऑफ द वीडियो देता हूँ, या अभी भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए 8871009497। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए टॉपिक में आते हैं। आप भी कहेंगे कि एडवर्टाइज ही हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम के सिद्धांत। अब आप देखिए यहाँ पे जो एक बच्चों का विकास होता है, बालक का जो विकास का सिद्धांत है, उसमें वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। आपका एक क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाता है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या वातावरण और वंशानुक्रम है। बिल्कुल है, 101% सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारक वातावरण और वंशानुक्रम ही है। चलिए देखते हैं। वंशानुक्रम में बच्चे का व्यक्तित्व की नींव माना जाता है। जो वंशानुक्रम होता है वह बच्चों की क्या मानते हैं, नींव मानते हैं। और वातावरण का प्रभाव को भी सिद्धांत को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जो वंशानुक्रम है और जो वातावरण है वह एक दूसरे के पहलू हम कह सकते हैं इसे। जैसे बच्चे की जो वंशानुक्रम वातावरण है और वातावरण, ये दोनों ही संयुक्त देन मान सकते हैं। दूसरे शब्द में अगर हम कहें किसी बच्चे का जो वृद्धि और विकास होगा वह उसके वंशानुक्रम के आधार पर होता है। अगर माता पिता का रंग गोरा है तो बच्चे का रंग भी कैसा होता है, गोरा होता है। और वातावरण में अगर हम ले अफ्रीका में रहने वाले जो लोग हैं उनमें वातावरण के कारण का कैसा रंग होता है, काला रंग होता है। तो कहीं तक वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही परिणाम क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, संयुक्त है, ये हम कह सकते हैं। वंशानुक्रम जैसे बच्चों के मानसिक में, उनके शारीरिक में और उनकी जो रुचियां होती है, जो विशेषताएं होती है, उसमें वंशानुक्रम पूरे तरीके से बालक के विकास को प्रभावित करता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप बच्चे, एक क्रिकेटर का जो बच्चा है वो क्रिकेटर में ज्यादा रुचि दिखाता है, क्योंकि उनके पास क्रिकेट के कुछ अनुवांशिक गुण आ गए हैं, उनके फादर के अनुवांशिक गुण आ गए हैं, तो वो आसानी से क्रिकेट खेल सकता है। ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेटर ही बनेगा वो। जैसे एक बच्चे, उनके पेरेंट्स की लंबाई अच्छी है तो देखना बच्चे की ऑटोमेटिकली लंबाई अच्छी होगी, उसे कॉम्प्लेन वगैरह पीने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारे जो गुण होते हैं, जैसे कि उनके फादर इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी कहीं हद तक इंटेलिजेंट ही होने के चांसेस होता है। कई बार इसका अपोजिट हो जाता है, आप बिल्कुल हर बार नहीं होगा पर मैक्सिमम चांसेस ऐसा होता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण का सीधा ही प्रभाव पड़ता है बालक के विकास में, तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स लेके। काफी टॉपिक्स यहाँ कवर करने होते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। संपूर्ण विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के सर्वगुण विकास पर बल दिया जाता है, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक और मनोगतात्मक विकास सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। इनके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एक अध्यापक को बालक के सभी पक्षों का विकास की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कहा गया है संपूर्ण विकास का सिद्धांत। अब देखिए संपूर्ण विकास में बालक का मानसिक विकास आएगा, उसे मानसिक रूप से, उसे सामाजिक रूप से,
मतलब वह समाज में भी रहने लायक बन जाए, समाज में सोचने लायक, सामाजिक समस्याओं को समाधान करने लायक बन जाए, उसके पास संवेगात्मक मतलब उसके पास इमोशनल विचार आए, इमोशनल थॉट होना चाहिए, तब व्यक्ति का जो होता है वह संपूर्ण विकास माना जाता है। तो ये भी बहुत मायने रखता है विकास के लिए। परिपाक व अधिगम का सिद्धांत, देखिए परिपाकता क्या होता है, जब बालक पूरे तरीके से आत्मनिर्भर बन जाए, समस्या का समाधान करने लायक हो जाए, तब उसे परिपाकता का अधिगम सिद्धांत हम कह सकते हैं। वृद्धि और विकास प्रक्रिया जो होती है वास्तव में ये परिपाक और अधिगम का विकास ही होता है। अगर वृद्धि और विकास हो रही है तो व्यक्ति क्या होता है परिपाक हो सकता है। परिपाकता से वृद्धि व विकास दोनों प्रभावित होते हैं। बालक किसी भी कार्य को करने में परिपाकता ग्रहण कर लेता है और वह परिपाकता अन्य कार्यों को करने में बालक की मदद करती है। उदाहरण अगर हम देखें, यदि कोई बालक है किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित है तो वह उसके लिए भौतिक रूप से तैयार नहीं है तो उसका कार्य करने में वह असमर्थ ही होगा, क्योंकि बालक की अधिक आशाएं रखनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ देखिए, बालक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित है, करना चाहता है, पर वह भौतिक रूप से तैयार नहीं है। जैसे आप तैरना चाहते हो पर आपके बॉडी अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है, या आप किसी तरह से हैंडीकैप्ड है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके अंदर अभिप्रेरणा है, आप तैरना चाहते हैं पर आप तैर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस तरह की भी कुछ कंडीशंस आ जाती है। तो परिपाकता या अधिगम का सिद्धांत आपको समझ में आया, जो वृद्धि और विकास से सीधा ही संबंध रखता है। चलिए कुछ टॉपिक्स और डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। विकास जो होता है लंबवत या सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। तो देखिए विकास जो होता है वह कोई ऐसा सीधा नहीं जाती है, उसकी प्रोसेस कोई ऐसी नहीं जाती है, कुछ उसकी प्रोसेस इस तरह जाती है। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा, क्योंकि जो विकास होता है ये पहले बहुत तेजी से बढ़ता है और उसके बाद क्या होता है इसकी गति जो होती है वह थोड़ी सी धीरे हो जाती है, और फिर से किशोर अवस्था में विकास जो होता है उसकी गति तेज हो जाती है, और फिर से विकास जो होता है उसकी गति जो होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है, विकास जो है ये जो शिशावस्था होती है उसमें बहुत तेजी गति से होता है, बाल अवस्था में थोड़ी सी गति धीरे हो जाती है, फिर से किशोर अवस्था में विकास की जो गति है वो तेज हो जाती है, और फिर किशोर अवस्था के पश्चात विकास की गति में थोड़ी सी कमी आ जाती है, थोड़ा सा मंद हो जाता है। इसे हम कह सकते हैं विकास सीधा ना होकर एक वर्तुलाकार होता है। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कारक होता है ये वंशानुगत कारक है। जो कारण है ये व्यक्ति को सीधा ही प्रभावित करता है, उसके आकार को, रूप को, रंग को, उसके गुण को, उसकी विशेषताओं को, ये सारे चीजों को जो वंशानुक्रम है ये बालक के विकास को सीधा ही प्रभावित करता है। शारीरिक कारण, तो देखिए यहाँ पे शारीरिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई बच्चा विकलांग है, कमजोर है या कुपोषित है, या उसका शरीर अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है समय रहते, तो ऐसे में जो बच्चों का विकास है ये जो साधारण बच्चे हैं उसके विकास की अपेक्षा काफी कम होता है। तो इसके शारीरिक कारण भी है। बुद्धि, तीसरा पॉइंट है हमारे पास बुद्धि। बुद्धि में अधिगम की जो योग्यता होती है, योजना होती है, जो समायोजन होता है उसमें निर्णय लेने की क्षमता कुछ बच्चों में बहुत तीव्र होती है, तो कुछ बच्चों की बुद्धि का जो विकास होता है वो बहुत तीव्र पाया जाता है, और कुछ बच्चों की जो बुद्धि का विकास होता है वह थोड़ा सा कम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, थोड़े से टॉपिक्स और डिस्कस करने वाले हैं अभी हम, वीडियो अभी और भी चलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, लंबा है तो क्या बात है। अब हम जाते हैं इमोशनल फैक्टर में। तो जो बालक के विकास को संवेगात्मक कारक सीधा ही इफेक्ट करता है। बालक में जिस प्रकार संवेगों का विकास होता है उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक और सभी तरह के जो विकास होते हैं उसको सीधा ही प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सामाजिक विकास। तो जो बच्चा होता है ये समाज से भी काफ़ी कुछ सीखता है, समाज में रहता है, वहाँ की आदतें लेता है, वहाँ पे जो वातावरण चल रहा है उसे अपने अंदर अडॉप्ट करता है। तो सामाजिक विकास भी जो होता है ये सीधा ही प्रभावित करता है एक बालक के विकास को। भौतिक वातावरण की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों का जो भौतिक वातावरण किस तरह का है, जिस परिवेश में वह रहता है,
वहाँ उसे किस तरह का विकास मिल रहा है, क्या वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है, या वहाँ पे पोषक तत्वों की कमी है, या भौतिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे बच्चों का विकास थोड़ा सा कम आएगा। जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं उनका विकास जल्दी हो जाता है गाँव में रहने वाले बच्चों की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ का भौतिक वातावरण उस तरह का नहीं मिल पाता है, उस तरह की सुविधाएँ अब हम बच्चे को नहीं दे पाते हैं। तो जो ऐसा कह सकते हैं कि शहर में रहने वाले बच्चों का जो मानसिक विकास या जो शारीरिक विकास होता है, या अच्छे परिवार जो संपन्न परिवार हैं उनमें रहने वाले बच्चों का जो मानसिक विकास है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो बाल विकास सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, अब हम बताते हैं बाल विकासों के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। तो देखिए, बाल विकास जो होता है इसके बिना एक शिक्षक कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बालक को समझना, उसकी विभिन्न अवस्थाओं को समझना आप एक शिक्षक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर एक शिक्षक बालक की विभिन्न अवस्थाओं को समझ पाएगा, उसके मानसिक स्तर को समझ पाएगा, उसके बुद्धि को समझ पाएगा, उसकी शारीरिक क्षमताओं को समझ पाएगा, तो वह शिक्षण कार्य को प्रभावी ढंग से और सही बच्चों को सही पद्धति और सही शिक्षण कार्य दे पाएगा, ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए एक शिक्षक को बालकों के विकास के सिद्धांतों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आप एक अच्छे शिक्षक बन तो सकते हैं पर कई हद तक बच्चों को समझने में आप मिस्टेक कर जाएंगे। अगर हम देख लें नेक्स्ट टॉपिक हमारा बाल मनोविज्ञान क्या है, तो बाल विकास के सिद्धांत का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बाल मनोविज्ञान बालकों की वह शाखा होती है जिसमें वह समस्याओं या उन्हीं सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसमें बालक के व्यवहार का विकास पड़ता है, तो इसे बाल मनोविज्ञान कहा गया है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, पर ये जो परिभाषा है इसे पढ़ना उतना जरूरी नहीं है। तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज के साथ। आप लोग काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लगे रहिए, जुड़े रहिए हम लोगों से, लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। नोट्स खरीदना है तो आप यहाँ पे पेटीएम से या अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।